मैं रैबिट ट्रेनर राहुल, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मोहित जी आए हुए हैं। इन्होंने कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर मैसेज किया कि सर हम रैबिट फार्म खोल रहे हैं बाराबंकी में आपके लखनऊ के पास में, तो हमने आप कृपया संपर्क करें, तब हमने इनको अपना नंबर दिया या इनसे हमने अपना नंबर लिया और फिर हमने इनको कॉल किया। तो मोहित जी आए हमारे यहाँ पर और आज देखने आए हुए हैं, मंडे का दिन है और इनका रैबिट फार्म बन रहा है और ये अब रैबिट फार्म बनवा रहे हैं और इनको जो सेल करना है वो डायरेक्ट अपना ये दिल्ली में सेल करेंगे। अपनी गाड़ी में रख के मुर्गे वाली कैरेट में 8-10 खरगोश इस तरह करके 150 खरगोश रख के ये अपना डायरेक्ट सेल करेंगे, ऐसा ही बता रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेल में देखिए करीबन 350-400 रुपए का रेट होता है, जो कंपनियां लेती हैं वो 250 रुपए के रेट से। तो इनको जरूरत है एक अच्छे ब्रीड की, जिसलिए इन्होंने हमसे संपर्क किया। अभी ये हरियाणा अपना गए हुए थे, किसी कंपनी में बात किए, देखो हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं बता सकते, तो बता रहे हैं वो 100 खरगोश के 3,20,000 रुपए बताए हैं और खरगोश भी हमको नहीं दिखाए गए कि कौन सा ब्रीड देंगे, कौन सा क्या देंगे, कैसा खरगोश, पैसे जमा कर लेंगे बाहर की कंपनी, क्या दे क्या ना दे, भैया मार दे पैसे भी। तो मोहित जी आज आए हैं बाराबंकी से हमारे पास, तो मोहित जी बताइए आप क्या बताएंगे कि वहां गए आपने खरगोश देखा? वहाँ मैंने खरगोश देखा, लेकिन बस बताया कितना पैसा लेंगे आपसे और खरगोश दिखाई नहीं रहे वो। मैंने उनसे बोला खरगोश दिखाई, तो देखिए मतलब क्या उनकी हेल्थ कैसी है, क्या मतलब कैसे किस कलर के है, क्या उनकी हेल्थ है, मतलब कुछ दिखाई नहीं रहे। फिर मैंने मना कर दिया मैंने, फिर तब मैंने भैया देखा यूट्यूब चैनल देखा उनका, मैंने भैया को मैसेज बहुत किया, तब भैया ने हमको रिप्लाई किया। यहाँ क्या हो जाती है, हर एक मिनट पे लोग कहते हैं नंबर चाहिए, किसी खरगोश बीमार है क्या है। अब इतना काम करने के बाद हमें खुद मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारा वादा है कि बहुत जल्द हम एक व्हाट्सएप नंबर और एक पर्सनल नंबर लेंगे यूट्यूब चैनल के लिए। सिर्फ उसमें भले ही हम 4 से 2 घंटे टाइम दे आप लोगों को, जिसमें आप हम अपनी समस्याओं के खरगोशों की समाधान कर सकते हैं। तो मोहित जी आए हैं, जैसा कि मोहित जी आप हमारे फॉर्म में देखे, जो अच्छे से अच्छे खरगोश देखे, तो क्या लगा हमारे खरगोश अच्छे खराब? भैया जी के हमारे यहाँ पर खरगोश सब देखे हमने, सब सारे हेल्दी हैं और ये 2-3 खरगोश और देखे वो तो ज्यादा ही हेल्दी है, तो इतने मोटे हो गए मुझे लगा कि उनको उठाने में दिक्कत हो रही, उठा नहीं पा रहे उनको। वो खरगोश जो हमारे मेल खरगोश कम से कम 2.5-3 किलो के हैं, वो कम से कम जो मेल खरगोश जो हमारे पेरेंट खरगोश हैं उनका एवरेज वेट जो मान लेंगे तो करीबन 3.5 किलो के आसपास आ जाएगा। अच्छा, जैसे देखा आपने कि कितने कितने बच्चे हमारी मादा खरगोशियों ने दिए हुए, बच्चे भी इनके जो जितने भी दिए, कोई 6, कोई 7, कोई 8 ऐसे दिए हैं और जितने भी इनके बच्चे वो भी सब हेल्दी हैं, मतलब इवन नहीं कमजोर हो, सारे बच्चे इनके हेल्दी हैं। जो कमजोर मादाएं होती हैं वो कमजोर बच्चे देती हैं, जो अच्छी मादाएं होती हैं वो हेल्दी मादाएं होती हैं, वो हेल्दी बच्चे देती हैं। तो इसलिए हम मोहित जी आए, हम मोहित जी से थोड़ी बहुत बात हुई। देखिए भैया, हम किसान हैं, हम जैसे कोई जरूरतमंद है उसको ब्रीड चाहिए तो अपना दे देते हैं। अब आप अपने हमारे फार्म से कम पैसे में उठा ले जाइए और अब आप अपना उनको बेचने की व्यवस्था बनाएं कि आप किस मार्केट में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। आप अपनी कार लेके आए, मुर्गे वाली 4 कैरेट रख ले, उसी 100 खरगोश 20-20 करके अपना रख लीजिए और चले जाइए। और आप उसको कहाँ बेचेंगे उसकी व्यवस्था भैया आपको बनानी है। हम किसान आदमी हैं, हम आपका तैयार माल खरीद नहीं पाएंगे, ये भैया हमने मोहित जी को भी बता दिया है। लेकिन ये कहते हैं कि हमारा भाई दिल्ली में सेटिंग है 4-6 होटलों में, जहाँ पर हम उनकी करीब 200-250 खरगोश हर महीने की डिमांड है, तो ये अपना गाड़ी में रख के ले जाएंगे। 50 रुपए खरगोश भी इनका भाड़ा आ गया, तो ये कह रहे हैं हमको 300-350 रुपए का रेट मिल जाएगा और हर महीने हम सेल भी कर लेंगे। तो मोहित जी आप आए हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगा। एक दूसरा फोन भी आ रहा है, तो दोस्तों यदि आपको भी ब्रीड की जरूरत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन भैया हम ना आपका तैयार माल खरीद सकते हैं और आप हमारे फार्म से ले जा सकते हैं, इतनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप तैयार माल को कहाँ बेचेंगे वो व्यवस्था आपकी है, आप किसी कंपनी से एग्रीमेंट कर सकते हैं 50-60 हजार रुपए में, जो आपका मंथली माल उठाती रहेगी वो भैया आप अपनी व्यवस्था बनाए। दोस्तों मोहित जी आए, इनसे बातचीत हुई, वो हमने आपको भी बताया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। थैंक यू।